हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो चलिए, आपका टॉपर क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे बैंक के बारे में। ठीक है, ये बैंक क्या होता है? सर्वप्रथम बैंक विश्व में कहाँ आया, यानी बैंक का स्थापना विश्व में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी बैंक से संबंधित सभी बातों को अभी हम जानेंगे। तो कहता है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द बैंको, BANCO बैंको से हुई मानी जाती है, जो फ्रेंच भाषा के शब्द बैंके, BANKE बैंके से बदलता हुआ अंग्रेजी में बैंक हो गया है, BANKE बैंक हो गया है अंग्रेजी में। यानी इटालियन भाषा के शब्द बैंको से बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो फ्रेंच में क्या हो गया है बैंके, और अंग्रेजी में क्या हो गया है बैंक। इटालियन भाषा के शब्द बैंको का मतलब बेंच से है, बेंच मतलब टेबल, मेज। अर्थात इटली में उस समय लोग मुद्रा परिवर्तन का कार्य, मुद्रा के लेन देन का कार्य बेंचों पर बैठ कर क्या करते थे, जिसके चलते उसे बेंची या बेंचियरी कहा जाता था। यानी बैंक शब्द का मतलब होता है वह स्थान, वह सेंटर, वह संस्था जहां पर मुद्रा के लेन देन का कार्य होता है, मुद्रा के परिवर्तन का कार्य होता है। इटली में उस समय लोग बेंचों पर बैठकर मुद्रा लेन देन का कार्य करते थे, इसलिए कहा गया है बैंको शब्द का मतलब बैंक से है, बेंच से। तो सबसे पहले विश्व में बैंक की स्थापना इटली के शहर वीनस में 1157 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहला बैंक का नाम है बैंक ऑफ वीनस, जो कहां है इटली में, इटली के शहर वीनस में। इसके बाद 1609 ईस्वी में बैंक ऑफ अमस्टरडम, जो हॉलैंड में है। फिर इसके बाद 1619 ईस्वी में बैंक ऑफ हम्बर्ग, जो जर्मनी में है, स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुआ। इसी तरह लगातार विश्व में बैंकों का विस्तार होता चला गया। बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक सेंट्रल बैंक, एक कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है, सबसे उच्च पद वाला बैंक होता है, जो देश में चलन मुद्रा को जारी करता है, यानी नोट जारी करने का अधिकार सेंट्रल बैंक को ही देश में प्राप्त होता है। हमारे देश के सेंट्रल बैंक का नाम RBI है, जिसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। यानी सेंट्रल बैंक जितना भी देश में कॉमर्शियल बैंक है, ये कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? व्यापार करने वाला बैंक, लाभ कमाने वाला बैंक, जैसे SBI, इलाहाबाद बैंक, बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सब लाभ कमाने वाला बैंक होता है, व्यापार करने वाला बैंक होता है। ये क्या करता है? जनता से जमा स्वीकार करता है और जरूरत पड़ने पर उसे ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराता है।
यानी जितना भी व्यापारिक बैंक होता है उसका मालिक होता है केंद्र बैंक, और आम जनता का मालिक कौन होता है? व्यापारिक बैंक। आम जनता का संबंध व्यापारिक बैंक से होता है और व्यापारिक बैंकों का संबंध केंद्र बैंक से होता है, यानी केंद्र बैंक देश के सभी व्यापारिक बैंकों का देखरेख करता है और व्यापारिक बैंक आम जनता से संबंधित कार्यों को पूरा करता है। ठीक है, मिलते हैं आने वाला वीडियो में।